ऑक्सीजन को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। में उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। हो गई ये क्या रोहित भाई, इंडिया में ये फोन 4GB रैम वाला वेरिएंट में मिल रहा है जबकि यही फोन पाकिस्तान में 3GB रैम वाला वेरिएंट में मिल रहा है। आपकी बातें बिल्कुल सही है लेकिन जरा ये भी तो देखिए, इंडिया में 4GB रैम और 64GB रोम मिल रहा है जबकि पाकिस्तान में यही फोन 3GB रैम और 128GB। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं और वर्सेस वाली वीडियोस जब हम करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है, हमारी भी काफ़ी नॉलेज जो है उसमें इजाफा होता है, गेन होती है। तो आज काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंडियन मोबाइल्स वर्सेज पाकिस्तानी मोबाइल्स प्राइसिस डिफरेंसेस को आप लोग उस पर रिएक्शन दें। तो ये एक वीडियो हमारे पास है रेडमी के स्मार्टफोन्स, तो आप सबको पता है कि इंडिया में भी बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी, और रीज़नेबल रेट्स पर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो रेट होता है, क्या इंडिया में भी वही रेट होता है या उससे कम होता है, ये हमको इसमें जानने को मिलेगा और हमें पता है आंसर इसका, और इसको देख लेते हैं। तो हमें पता है वर्स ब्रो इस चैनल का नाम है, इन्होंने हमें परमिशन भी दी है और इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर उसे फॉलो करें। हम इस वीडियो के बाद करेंगे डिस्कशन, स्टे विद अस। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है लेकिन उस प्रोडक्ट का प्राइस हर कंट्री में अलग अलग होता है, चाहे वो छोटा से छोटा सामान हो या फिर बड़े से बड़ा सामान क्यों ना हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रेडमी फोन का प्राइस इंडिया और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या है, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एक ही प्रोडक्ट का प्राइस हर कंट्री में अलग अलग क्यों होता है। इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फोन लेंगे Redmi 9, जो कि इस फोन को इंडिया में Redmi 9 के नाम से लॉन्च किया गया था जबकि यही फोन पाकिस्तान में Redmi 9C के नाम से लॉन्च किया। नाम थोड़े चेंज कर दे। इंडिया में दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम 64GB रोम के साथ, दूसरा 4GB रैम और 128GB रोम के साथ, जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 3GB रैम 128GB रोम के साथ। ये फोन इंडिया में तीन कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में भी सेम तीन कलर वेरिएंट में ये फोन लॉन्च हुआ था। बात करें इस फोन के प्राइस की, तो इंडिया में 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस 8,999 रुपए है जबकि 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 9,999 पाकिस्तान में, 3GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 18,999। इस डाटा को आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि पाकिस्तान में रेडमी फोन का प्राइस काफी अधिक है। पाकिस्तान के रेडमी फोन का प्राइस इंडिया के रेडमी फोन का प्राइस का लगभग दो गुना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हर देश का करेंसी अलग अलग होता है, जिसे 1 इंडियन रुपी 2.14 पाकिस्तान रुपी के इक्वल रहा है, यानी 8,999 इंडियन रुपी को अगर पाकिस्तान रुपी में कन्वर्ट करे तो ये लगभग 19,268 रुपया होता है। इस हिसाब से तो पाकिस्तान में इस फोन का प्राइस बिल्कुल सही है क्योंकि इस फोन का करेंसी कन्वर्जन के बाद 19,268 होना चाहिए, लेकिन ये फोन पाकिस्तान में 18,999 रुपया में मिल रही है, यानी लगभग 250 रुपया सस्ता। लेकिन आप कहोगे ये क्या रोहित भाई, इंडिया में ये फोन 4GB रैम वाला वेरिएंट में मिल रहा है जबकि यही फोन पाकिस्तान में 3GB रैम वाला वेरिएंट में मिल रहा है। आपकी बातें बिल्कुल सही है लेकिन जरा ये भी तो देखिए, इंडिया में 4GB रैम और 64GB रोम मिल रहा है जबकि पाकिस्तान में यही फोन 3GB रैम और 128GB रोम मिल रहा है। भले ही पाकिस्तान के रेडमी फोन्स में रैम कम है लेकिन स्टोरेज भी तो अधिक है। हाँ, एक बात और, हर फोन पाकिस्तान में सस्ते हो ये जरूरी नहीं है, कुछ फोन ऐसे भी है जो इंडिया में काफी सस्ते हैं। तो आखिर कौन कौन से फोन इंडिया में सस्ते हैं, चलो अब हम आगे देख लेते हैं। और अब हम जिस फोन को लेने वाले हैं उस फोन का नाम है Redmi Note 10। ये हैदर के पास सेशन या था, नाम के साथ लॉन्च किया गया था। ये फोन इंडिया में दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम 64GB रोम के साथ, दूसरा 6GB रैम और 128GB रोम के साथ, जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम और 128GB रोम के साथ। इंडिया में ये
फोन 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, जबकि पाकिस्तान में भी सैम 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो इंडिया में 4GB रैम 64GB रोम का प्राइस 12,999 रुपी है, जबकि 6GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 14,999 रुपए है, जबकि यही फोन पाकिस्तान में 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 32,999 रुपए है। एक बार आपको प्राइस में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, बट 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 2.14 पाकिस्तान रुपी, जबकि 14,999 इंडियन रुपी को अगर हम पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 32,114 रुपये हो रहा है। यानी हम यहाँ ज्यादा की 14,900 स्टोरेज भी ज्यादा ना इंडियन रुपी को पाकिस्तान रुपये में कन्वर्ट करने से 32,114 रुपये हो रहा है, जो कि पाकिस्तान में 4GB रैम और 64GB रोम, लेकिन इसकी जीबी ज्यादा 2,999 रुपये के लगभग बराबर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में ये फोन 6GB रैम, इंडिया में रैम ज्यादा, जबकि पाकिस्तान में ये फोन सिर्फ 4GB रैम के साथ उपलब्ध है। इस हिसाब से तो इंडिया में ये फोन सस्ते हैं। अगला फोन है Redmi 9 Power। इस फोन को इंडिया में Redmi 9 Power के नाम से लॉन्च किया गया था, जबकि यही फोन पाकिस्तान में Redmi 9T के नाम से लॉन्च किया गया था। ये फोन इंडिया में 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4GB रैम और 64GB रोम के साथ, दूसरा 4GB रैम 128GB रोम के साथ, तीसरा 6GB रैम और 128GB रोम के साथ, जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक पाकिस्तान में वेरिएंट्स कम है और 128GB रोम के साथ। ये फोन इंडिया में 4 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में भी 4 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुआ था। बात कर लेते प्राइस की, तो इंडिया में 4GB रैम और 64GB रोम का प्राइस 10,999 रुपी है, जबकि 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 11,999 रुपी है, जबकि 6GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 13,499 रुपी है, जबकि यही फोन पाकिस्तान में 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 27,499 रुपी है। तो यहाँ पर आप देख डबल से ज्यादा 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 11,999 रुपी है, जबकि पाकिस्तान में 4GB रैम 128GB रोम का प्राइस 27,499 रुपी है। तो अगर हम 11,999 इंडियन रुपी को पाकिस्तान रुपी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 25,675, जबकि पाकिस्तान में 4GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 27,499 रुपए है। यानी अगर हम इसका डिफरेंस निकाले तो ये लगभग 1800 रुपए का डिफरेंस हो रहा है, और ये डिफरेंस क्यों है ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अब हम अगला फोन लेने वाले हैं Redmi Note 10s। फोन को इंडिया और पाकिस्तान में सेम नाम से लॉन्च किया गया था। इस फोन को इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, 6GB रैम और 64GB रोम के साथ, दूसरा 6GB रैम और 128GB रोम के साथ, और पाकिस्तान में भी ये फोन 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 6GB रैम और 128GB रोम के साथ, दूसरा 8GB रैम और 128GB रोम के साथ। इंडिया में ये फोन 3 कलर वेरिएंट में, इधर इसकी प्राइस ज्यादा, पाकिस्तान में भी सेम 3 कलर वेरिएंट में। बात कर लेते हैं प्राइस की, तो इंडिया में 6GB रैम 14,999 रुपए था, जबकि 6GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 15,999 रुपए है, जबकि पाकिस्तान में 37,999 रुपए है, जबकि 8GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 39,999 रुपए है। तो यहाँ पर आप सब क्लियरली देख सकते हैं कि 6GB रैम और 128GB रोम का प्राइस इंडिया में 15,999 रुपए है, जबकि यही फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान में इसका प्राइस 32,000 बनना चाहिए था, लेकिन 38,999 इंडियन रुपी को पाकिस्तान रुपी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 34,255 रुपए हो रहा है। यानी अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस लगभग 3,744 रुपए है, यानी लगभग 4,000 अधिक है पाकिस्तान में। नेक्स्ट फोन लास्ट फोन है MI 11 Lite। इस फोन को इंडिया और पाकिस्तान में सेम नाम के साथ लॉन्च किया गया था। इंडिया में ये फोन 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 6GB रैम और 128GB रोम के साथ, दूसरा 8GB रैम और 128GB रोम के साथ, जबकि यही फोन पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 6GB रैम और 128GB रोम के साथ। बात करें प्राइस की, इंडिया में 6GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 21,999 इधर होगा 45 समथिंग 45 50 128GB रोम का प्राइस
23,999 रुपी है, जबकि यही फोन पाकिस्तान में 6GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 23,499 पर आप सब क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया में 6GB रैम और 128GB रोम का प्राइस 23,999 रुपी है, जबकि यही फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान में 43,490 रुपए है। तो अगर हम 21,999 इंडियन रुपी को पाकिस्तान रुपी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 47,000 हो रही है। अच्छा तो कम है। ये फोन 43,490 रुपए में मिल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस देश में इस फोन की प्राइस कम है। तो अब हम जान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट हर कंट्री में उसका प्राइस अलग अलग क्यों होता है, बिकॉज हर कंट्री में उस प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्सेस लगे। अच्छा। इसी कारण से एक प्रोडक्ट का प्राइस हर कंट्री में अलग अलग होता है। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। Redmi एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफी सारे लोग आप इंडिया में भी जानते होंगे, हमें भी पता है। इनफैक्ट मेरे भाई के पास भी Redmi का फोन था, उसके बाद उसने ओप्पो ले लिया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडियन करेंसी जो है वो पाकिस्तानी करेंसी का डबल बनती है, मतलब एक रुपया पाकिस्तानी जो है इंडिया का 2 रुपया सम पैसा बनता है। तो उस हिसाब से कि अगर इंडिया में एक फ़ोन 10,000 का है तो पाकिस्तान में वो 20,000-21,000 समथिंग का होना चाहिए। लेकिन कुछ फ़ोन्स महंगे थे और डबल से महंगे थे और कुछ डबल से थोड़े कम थे। तो उसमें ये है कि और वेरिएंट्स कुछ में दो थे, किसी में थे, इंडिया में दो वेरिएंट्स आ जाते थे, पाकिस्तान में इंडिया में ज़्यादा थे, पाकिस्तान में एक दो बस आए, वेरिएंट्स कम थे पाकिस्तान में, और नाम भी चेंज होते होते हैं वेरिएंट्स के। और दूसरा है पाकिस्तान में एंड में कुछ ऐसे आए जिसमें रैम ज़्यादा थी, और बाकी ये है कि वेरिएंट्स सेम थे दोनों, वेरिएंट्स इंडिया में ज़्यादा थे। अब उन्होंने यही बताया, बहुत प्यारी बात की कि एंड में टैक्सेस का सारा गेम होता है, टैक्सेस हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट होते हैं, मुल्क के अपने टैक्सेस होते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ सालों में मोबाइल फ़ोन्स के टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए गए हैं और इस वजह से फोन्स और महंगे हो गए। 50 का जो है वो 60s में हो गया है इस तरह। तो वो सारे जो कस्टम पता नहीं क्या क्या लगा के होते हैं, मुझे इतना नहीं पता उनका, लेकिन वो बहुत ऊपर चले गए। तो अब फोन्स जो आपको यहाँ पर पहले वही मॉडल 20,000 का मिलता था वो 30 समथिंग में मिलता है। तो ये सारा गेम हो गया है। लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और जिस तरह से इन्होंने रिसर्च की है भाई ने बड़ी प्यारी की, और जिस तरह से समझाया है वो काफ़ी डिटेल में समझाया हमको। तो पहली बार हमने कोई मोबाइल फ़ोन के ऊपर वीडियो की है, तो जितने भी मोबाइल फ़ोन लवर्स हैं अगर उनको ये अच्छी लगी और वो चाहते हैं इस तरह हम डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स पे रिएक्शन दें, ज़्यादातर आईफोन की आएगी। हाँ, आईफोन्स या कुछ भी ओवरऑल पाकिस्तानी मोबाइल्स वर्सेस इंडियन मोबाइल्स का हम कंपैरिजन करें, सारी सारे ब्रांड्स का, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर करेंगे। एंड इसी तरह कंपैरिजन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वो भी बताइएगा। रिएक्शन अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे ब्लॉग चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा।